इतना ज्यादा तेज ठंडी पड़ रही है, आप लोग मौसम का नजारा देख सकते हैं, इतना तेज हवा सूट रहा है। तो हम और मम्मी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग चलते हैं समोसा बनाने। तो यहाँ पे हमने अभी मटर छील रहे हैं और इधर आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। तो ठंडी इतना तेज लग रही है कि ठंडी में तो आग पे ही अभी आलू उलू उबाल लेंगे, तो चलते हैं बनाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिएगा। और इधर एक चुलबुलिया मम्मी को खेल रही है, मम्मी को परेशान कर रही है मटर खाने के लिए। देखिए मम्मी मटर दे रही है, लो स्वीटी, देखिए मटर ये कितना तेज खाती है। देखिए ऐसे मटर खाने बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है, देंगे तो खड़े ही खाएगी, छील के नहीं ऐसे कुचूर कुचूर। तो अभी हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे हमने आटा गूंथ लिया है। आटा में हमने डाल दिया था मंगरेल और जीरा और थोड़ा सा जवाइन, ठंडी का मौसम है ना तो ठंडी में डाल दिए हैं। और यहाँ पे हमने मसाला रेडी कर लिया है, तो अभी हम चलते हैं बनाने। तो यहाँ पे हमारा समोसा बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम बना लिए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा इस प्रकार। तो अभी हम चलते हैं छानने, तो छान के आप लोगों से हम मिलते हैं। ये रहा हमारा चटनी और ये रहा हमारा समोसा। तो अभी हम चटनी और समोसा बना लिए हैं, तो अभी चलते हैं सबको देने और भी खाएंगे। यहाँ पे हम तल भी रहे हैं और यहाँ पे मम्मी छोटी के साथ खेल रही हैं। ये मम्मी को दाते काट रही है, इसको ऐसे करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस खालती खेलती रहती है, उसको खींचने में बहुत। इधर मेरा लौकी का सब पेड़ था तो इसे सब जला रहे थे। तो फ्रेंड्स हम लोग लौकी का पेड़ था सब यहाँ पे काट के घर पे चढ़ाया गया था, तो घर बनने वाला था तो हमारा सब लौकी का पेड़ कट करके सुरका दिए ताकि जल जाएगा नहीं, जिससे घर की रौनक घुसने का डर था। और हमारा घर इतना बन के रेडी हो चुका है इधर। और यहाँ पे मम्मी गेंदे का फूल लगाई हुई थी, अब घर बनेगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन फ्लावर कितना सुंदर सुंदर खिला हुआ है। और हमारे यहाँ पे सीटी सोई थी तो मैंने बुलाए हैं कि आ जाओ तुमको भी ब्लॉग में दिखाते हैं, तो दौड़ के आई है, सीटी आ जाओ, आ रही है कि हम भी ब्लॉग में आते हैं। और इधर ये वाला भी फूल है, उसमें थोड़ा थोड़ा रेड वाला है और इसमें एकदम। तो अभी पानी लगाए हुए हैं लहसुन के खेत में और लहसुन तो निरा के हम लोग खाली हो चुके हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा लहसुन में तो घास दिख नहीं रहा है। और इधर हमारा सूर्य ऊर्जा से चलता है तो थोड़ा थोड़ा ही पानी शाम होने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा पानी इधर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा खेत में जा रहा है। और इधर मम्मी लगाई थी धनिया, तो धनिया हमारा इस प्रकार है, ज़्यादा पंफा नहीं है। और ये रहा बकला का पेड़, तो आप लोग बकला खाए हुए हैं या नहीं, तो अभी तो इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ फूल लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा इसमें सिर्फ फूल लिया है, फल तो अभी नहीं लिया है। आप लोगों को फल इसका दिखा रहे हैं, फल ले चुका है, कहीं 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 पेड़ में इसका फल ऐसे होता है। कौन कौन बकला खाया है कमेंट में करके बताएगा। तो मम्मी लगा देती हैं जैसे घर खाने के लिए, देखिए आप लोग को बकला दिख रहा होगा, इधर मटर की तरह लगता है थोड़ा सा, मटर से भाई मटर मटर है, इसमें बकला सही थी बनता है। तो इधर हमारा कुछ इस प्रकार का है। और हमारे यहाँ राई का पेड़ जो था, हम राई सरसों भी है ना, तो सरसों की तरह राई है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये राई का पेड़ है, सरसों की तरह है, इसका पत्ता गोला होता है और सरसों का पत्ता लंबा में। तो अभी एक दो पेड़ लगा हुआ था। और इधर सब मम्मी पालक बोई थी तो सब पालक तो ख़त्म हो चुका है। और इधर ये सब है राई का पेड़, छोटा छोटा राई है ना, ये सब सब राई का पेड़ है सब। और इधर हमने मूली लगाया था ताकि मेरा मूली हो जाए थोड़ा थोड़ा गर्मी में खाने लायक।
और इधर हमारा आलू तो हो चुका है, इसमें भी हमने गाजर लगाया है, तो अभी छोटा छोटा है, कहीं कहीं जम रहा है छोटा छोटा। इसमें पानी भर के हम थोड़ा सा खादा मार दिए थे। और इधर हमारा टमाटर का पेड़ है, हमने इसे गोड़ के निराया हुआ है, और हमारा टमाटर फलने भी लगा है इधर, और इसमें तो भी छोटा छोटा फल ले लिया है। और बहुत ज़्यादा धुआं भी लग रहा है, वहाँ पे धुआं भी दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक सरसों का पेड़ है, मम्मी बोली कबार दे, हम बोले नहीं रहने दो। तो मेरा इतना लहसुन का पेड़ हुआ है, और इधर हमने प्याज, आप लोग बता सकते हैं कि प्याज कौन कौन खेती करता है, तो हम प्याज सही लगाए हैं या गलत, कमेंट में करके बताइएगा। प्याज कितना दूर दूर होता है आप लोग को दिख रहा होगा, तो कमेंट में करके बताइएगा कि हम ज़्यादा गज्जे लगाए हुए हैं या दूर दूर सही से, क्योंकि फर्स्ट बार हमने प्याज लगाया है। और इधर हमारा सरसों पीला वाला, आप लोग को पीला वाला सरसों इस प्रकार होता है, देखिए ये पीला वाला है, इसको हम फोड़ेंगे तो इसमें पीला दिख रहा है ना, ये है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पीला वाला सरसों है। तो इधर मम्मी सब लगा दी हूँ ही, तो पकने वाला है मेरा पीला वाला, हमारा पीला वाला सरसों पकने वाला है। तो इधर एक एक पेड़ बहुत ज़्यादा हरियर भी है और पकने वाला है, तो यहाँ पे हमारा पीला वाला सरसों आपको तोड़ के दिखा देते हैं, अभी पीला नहीं हुआ है, अभी हरा हुआ है इस वाले पेड़ में, देखिए पीला हो चुका है, देखिए हल्का हल्का पीला हो रहा है ना, तो इधर मेरा पीला हो रहा है। और आप लोगों को दिखाते हैं,